भिंड के बारे में बहुत ऐसा बताया है कि इंसान डर जाता है। वैसे बिहार में मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा ज्यादा डरते हैं, एक्सट्रीम पे है। अब पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, बदमाशी भी बहुत अच्छी है। बहुत वजह से हुआ मैं बिहार को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर दो चीजें अगर खराब ही हैं तो पांच चीजें अच्छी भी तो है। रतन, आपको चूल्हे पे खाना बनाना आता है क्या? पता है कि उसमें लकड़ी डालते हैं, पहले गोईठा यूज करते हैं, उसमें मिट्टी तेल डालते हैं, ये सब पता है, लेकिन पूरा किया नहीं है कभी। नहीं, मुश्किल है चूल्हा, मुश्किल है ना, किया नहीं है सो नहीं हो। भी अब तो आप लोग जाने, हमारे तो नजदीक बहुत कम अब तो रहना होता है। माता जी है, पिताजी है, तो उनको पूछना पड़ेगा, या अपनी मर्जी से भी कोई, जैसे स्वयंवर का काम है तो वो आपने उनको उनकी राय ली है? हाँ, राय नहीं, एक्चुअली सब कुछ उनसे बातचीत करने के बाद ये डिसीजन लिया गया, क्योंकि शादी का है तो माँ बाप तो रहेंगे ही साथ में। बहुत अच्छी बात है। अब है क्या के जैसे फिल्मी दुनिया में लोग नहीं लेते, नहीं नहीं, अब जैसे राजपूत है तो राजपूत का अंदरूनी जो खून का प्रभाव है वो थोड़ा सा रहता है। थोड़ा सा कह सकते हैं संस्कार पे भी रहता है, कई बच्चे मतलब अगर फिल्म में नहीं भी हैं, सीरियल में नहीं भी हैं, तब भी माँ बाप से थोड़ा कम सलाह मशवरा करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा होता है, और कई लोग की हमेशा साथ में लेकर चलते हैं। मम्मी कुछ पूछ लो, और गाय से दूध निकालना आता है। अब तो छोटा सा गांव है, गांव कस्बा है, अब चूल्हा है अपने, लाइट होती है नहीं होती है। आप तो जैसे कि यहाँ रहेंगी तो साड़ी पहनना पसंद है या नहीं? पसंद है, पर पहनती बहुत कम हूँ। रियल लाइफ और रियल लाइफ थोड़ी सी अलग होती है, और थोड़ा सा हमारा समाज देख के उनको रहना पड़ेगा। ये भी पूछ ही लो, शादी के बाद अगर शादी होती है तो भिंड, पोलैंड, मुंबई, दिल्ली, कौन सी जगह कहाँ रह गए? हमारे तो घर बार ही अलग अलग है। मुझे तो रतन के ऊपर है, जहाँ उसकी मर्जी होगी वहाँ रहेगी। भिंड में ज्यादा सुविधाएं तो है नहीं? भिंड में सुविधाएं तो है नहीं, अच्छा लगे तो भिंड में रह सकती है, पोलैंड रह सकती है। काम एक्चुअली मुंबई में है, इसलिए मुंबई में रहना होता है। अब यहाँ हम लोगों को तो इधर ही रहना, जो मूल निवास है इसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। 10 दिन के लिए इनके पास भी जा सकते हैं, 10 दिन के लिए आपके पास भी जा सकते हैं, तब भी आपका रुख देख के ही हम वहाँ उतने दिन तक टिक सकते हैं। अन्यथा मेरी कहीं नजर वो कहीं गड़बड़ नजर समझ में आ गई तो उसी वक्त अपना मन बना लेंगे भाई किसी बहाने से हमको यहाँ से निकलना। मैं भिंड में रहता हूँ, पति पत्नी अनुपम जर्मनी में रहता है, रतन मुंबई में रहेगी, तो ज्वाइंट फैमिली कहाँ रही है? तो सब दूर दूर हो गए। मेरे अंकल जी हैं। नमस्ते अंकल, बाहर मिले थे ना? हाँ। आप बहुत हाई सोसाइटी से और ये मिडिल क्लास फैमिली से, तो ये सामंजस्य बैठा पाएंगे आप? जब जहाँ होती हूँ तब वैसी होती हूँ, अगर घर पे हूँ तो फिर सोसाइटी तो ध्यान नहीं रहता, फिर तो घर परिवार होता है, और जब उस जगह पे होती हूँ जहाँ पे उठना बैठना है, जहाँ थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, कोशिश करती हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, काम ये है, सच है कि काम जो मेरा है वो थोड़ा अलग तो है। रतन, ये अनुपम बाहर रहता है, आप मुंबई में है, और आपकी लाइन दूसरी है, आपका प्रोफेशन दूसरा है, अगर शादी होती है तो आप एक दूसरे से किस तरह से एडजस्ट करें? छोटी सी समस्या यहाँ पर तो है, क्योंकि काम मैं नहीं छोड़ना चाह रही, क्योंकि काम की वजह से मेरी पहचान है, तो यही एक परेशानी मेरी बनती है। थोड़ा सा भी बात तो करनी होगी। ये जो आप कह रहे हैं कि छोटी समस्या है, हमारी दृष्टि से बड़ी समस्या है।
नहीं, समस्या तब बड़ी बन जाती है जब मैं जिद पकड़ लेती कि आपको शिफ्ट होना ही होगा। संयुक्त परिवार में रहना शहरी लड़की के लिए मुश्किल काम है, खासतौर से आपके प्रोफेशन वाले के लिए। क्या ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे? इस पर सोचना पड़ेगा मुझे एक बारी दोबारा से, क्योंकि सही है कि एक शहर से आप दूसरे शहर तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है दो इंसान पे, दो इंसान की सोच पे कितनी अंडरस्टैंडिंग है। सो वही अभी देखना होगा कि कितनी अंडरस्टैंडिंग मुझ में और अनुपम में है। अनुपम को बहुत दिन विदेश नहीं रहने देंगे, कब इनको इनकी जरूरत हमें है तो हम इनको अपने पास बुला लेंगे। वो तो मैं करने वाला हूँ, कुछ साल और नौकरी करूंगा वहाँ पे यूरोप में, जैसे ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगा अपना बिजनेस या सेटअप जो भी कर लूंगा वापस इंडिया। अच्छा, अभी आप गांव जाएंगे हमारे साथ, तो ट्रैक्टर वगैरह पे बैठना तो आता होगा? उसमें बैठना कहाँ आता है, उसपे तो बस उछल कूद मचाओ घूमो। ठीक है भैया, चलाएंगे आप उछल कूद करना। चलिए गाँव देखते, हम अपने आप गाँव दिखाते हैं आपको। चलो जब अंकल ने मुझसे सवाल जवाब करना शुरू किया तो मैं स्वयंवर वगैरह सब कुछ भूल गई थी। मुझे लगा मैं बिल्कुल आम शादियां जो होती हैं, जैसे लड़की हाफ ट्रे लेकर चाय लेकर पहुंचती है और रखती है और फिर उसको बताना होता है कि हाँ मैंने ये सीखा है, मैं ये जानती हूँ, बिल्कुल वैसा ही माहौल था। चलो गाय का दूध निकालना, बताती है, अच्छी तरह सिखाएंगी। चाचा जी, रामदास चाचा जी। और तुम कैसा लगा, रस्ते में कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ये हमारा गांव का घर है, बहुत अच्छा। हम लोग बड़े ही प्राकृतिक तरीके से रहते हैं, आपको घुमाएंगे तो आपको और ज्यादा पता लगेगा। नहीं बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। वही पुराने तरीके से जो आपने पुराने समय बोला था, तुलसी की पूजा, गाय का गोबर, वही देसी दूध, लस्सी बना के पीना बहुत अच्छा लगता है। नहीं वो तो हर गांव में होता है, मेरे गांव में भी है। हाँ पता है। चलो बेटा रतन, आप पहली बार मेरे घर गांव आई हो, तुलसी की पूजा बताते हैं और करवाते हैं। ठीक है, पूजा तो पूरी हो चुकी है, बता दिए। और चलो गाय का दूध निकालना, बताती है, अच्छी तरह सिखाएंगे। आप सिखाएंगे? हाँ हम सिखाएंगे, चलो चलते हैं। ये अंगूठा टेढ़ा करें। हाँ। अंगूठे से पीछे वाली उंगली दोनों दबा। मारेगी तो नहीं? नहीं मारेगी। नहीं आ रही? नहीं आ रही? नहीं मारना नहीं बहन। हे भगवान, कितनी अच्छे से कर रहे हो। अच्छा मैं एक बार ही करती हूँ। हाँ। आई नहीं रहा, मैं क्या करूँ? हाँ निकालो, दबाओ थोड़ा सा। नहीं हो रहा। कस के दो। वो जिंगो जिंगो दूध दे, जिंगो दूध दे दे। अरे थोड़ा तो आ जा। माना नहीं, पहली बार जिंदगी में मैंने गाय का दूध निकाला, आंटी ने सिखाया मुझे। मैंने कोशिश बहुत ज्यादा किया लेकिन दूध निकला कम, मस्ती ज्यादा हो रही थी और मुझे डर भी लग रहा था। एक्सपीरियंस हुआ, एक कह सकते हैं कि पहला एक्सपीरियंस था मुझे गाय का दूध निकालने का। गाय तो दूधना सिखा दिया, अब चूल्हा जलाना सिखाऊंगी। चल मेरी माचिस की तेल, बिना तेल के? बिना तेल के। नहीं जल रही। जल गई? जल गई। दुनिया को पता चल जाएगा कि ये सब काम मैं नहीं करती थी, वो तो शूटिंग पे सेटिंग दादा कर दिया करते थे, पर यहाँ पर तो सब कुछ खुद से करना होता है। आंटी मेरे को बहुत अच्छे से, नहीं नहीं मेरे को आता है पर बहुत अच्छे से नहीं। अच्छा। छोटू छोटू ले। हाँ छोटा छोटा ले। आज भगवान की दया से गोल गोल बन रहा है। बनेगी? हाँ हाँ मैंने बनाया ना सीरियल में। ज्यादा तवा गरम, उसको पलटते नहीं, जल जाएगी। तब चम्मच इसी से? हाँ इसी से।
बाप रे, मिट्टी के चूल्हे का खाना बहुत स्वाद होता है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल होता है। चूल्हे पे वैसे सेकना मुझे नहीं आता, मुझे जैसे बताया उन्होंने कर लिया, पर प्रॉपर मुझे लगता है आंटी थी इसलिए प्रॉपर हो रहा था, पर बनाने में तो भैया बहुत मुश्किल है। मेरी तो नानी याद आ गई गर्मी के मारे। आंटी बहुत मुश्किल काम करते हो आप सच्चे में। हाँ प्यास में तो ऐसी होती है, लकड़ी से चूल्हे पे रोटी होती है, स्वादिष्ट बहुत होती है, मेहनत पीछे लगता है ना, नुकसान भी नहीं करती। हाँ बेटा क्या बात है, रोटी बनवाई अच्छी नहीं बनी है देखो। नहीं नहीं रोटी तो अच्छी बनी है। चलो मम्मी अब रतन को और रोटी बनवानी, प्रैक्टिस कराते रहेंगे बाद में। कहाँ जाना है अभी? अभी हम आपको और भी दिखाते हैं कुछ। सच्ची में ट्रैक्टर हमारा खड़ा हुआ है। हाँ, कर रहा है। हाँ, ट्रैक्टर की सैर कराते हैं। चलो बेटा जाइए, बात में बता दूंगी और सिखा दूंगी। थैंक यू आंटी, पता है मैं भी कामचोर की तरह बता रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, कामचोर नहीं, काम है तो जाइए। मेरा जो काम है, मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, चूल्हे चकिया का काम, तो मेरे को जो काम आता है खेती का काम जो मैं कर सकता हूँ या ट्रैक्टर चला के दिखा सकता हूँ, तो मैं चलो रतन तुम्हें मैं अपना खेत दिखाता हूँ। कैसे लगा मेरा घर, मेरा ट्रैक्टर? बहुत अच्छा, ये सब तो मुझे पुराने दिन याद दिला रहे हैं सीरियल के। पता चला आपको ये जगह मुझे क्यों पसंद है? लेकिन मैं चाह रहा था रतन को मैं खुद चला के दिखाऊं, तो रतन को मैं जब ट्रैक्टर में लेके, रतन का तुम्हें चलाना आता है नहीं आता है? मैंने कहा हाँ आता है, तो चलाने के साथ जब मैं उसको धीमे धीमे करके ले गया तो रतन तो इतनी खुश हो गई थी, उसको अपनी कह रही थी मुझे पुरानी यादें आ रही है अपने गांव की, ये सारी चीजें याद आ रही है मेरे को। पर यहाँ बसों के तो तुम्हारा तुम काम नहीं मिस करोगे, जो तुम्हारा काम पैदा भी नहीं हुआ मैं यहाँ पे, स्कूल के टाइम पे आता था, जब छुट्टियां होती तब आता था। हाँ। तो वो कुछ जो दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या अगर मैं काम करता हूँ आज की डेट में तो इंटरनेट है तो मैं यहाँ बैठे बैठे काम हो जाएगा, बैठ के मैं काम कर सकता हूँ क्या चाहिए? पर मेरा मैं तो मुंबई के अलावा कहीं और काम नहीं कर सकती, दिल्ली जाकर भी काम नहीं कर सकती बहुत ज्यादा। गांव की देखती रहना तो यहीं पे, यहाँ पे सेट लग जाएगा और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे काम करता रहूंगा। ये बात है तो तुम्हारे स्वागत में यहाँ पे फाग का ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो चलो देखते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। फाग क्या? फाग यहाँ का लोकल, जो लोकल गीत, जो लोकल जो गीत होता है, जो ये हमारे यहाँ की फाग है, तो ये फागुन के महीने में जो ये फाग हमारे यहाँ गाई जाती है, ये फाग गांव में बड़ी प्रसिद्ध है इस क्षेत्र की। अच्छा, वही सारी व्यवस्था है। अरे बन बारी ओ रत हाँक चले, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। पिंड दिखा दिया, गांव दिखा दिया, गांव के मेरे सारे लोग दिखा दिए, जहाँ पे पैदा बड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे बिल्कुल देहाती हूँ, अभी कोई भी अंतर नहीं मेरे अंदर, कपड़ों का अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, यहाँ आता हूँ तो ऐसे ही हो जाता हूँ। फिर मैं गांव दिखा दिया, बापू ग्वालियर दिखाता हूँ, तो पिताजी से परमिशन लेते हैं, पिताजी दिखा दें ग्वालियर। परमिशन है मेरी तरफ से तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए चलती हूँ आंटी, फिर मिलेंगे। आप मेरे को दिख ही नहीं रहे हो मुझसे ज्यादा, आप शर्मा रहे हो आंटी मेरे को शर्माना चाहिए फिर मिलूंगी। हाँ ठीक है,
मिलूंगी फिर। हाँ ठीक, मिलना। हाँ सर।